ऐसी क्या बात करनी उसे अकेले में? अरे जो भी हो, हमें क्या करना है? वो कुछ तो बड़ा सोच के आई है, तो फंसना मत उसके जाल में। ये तुम्हारे उस नालायक बेहुदे बेशरम बेटे की वजह से है। बाबा प्लीज बीजी पे गुस्सा मत निकालिए। अब तू कहाँ जा रही है? खुली हवा में सांस लेने आई। आंटी फिर से आई को सैड और अपसेट कर देंगी। सैम आंटी फिर से रावण आंटी बन गई हैं। ऋषि तो जाना और उनको यहाँ से जाने के लिए बोल दे। नहीं रोली, कहीं नहीं जाना। आजोबा ने बोला है ना रूम के बाहर थोड़ी देर बैठने के लिए। बहन जी, शुभ्रा तो नहीं जाएगी कोई भी बात सुनने। आप जाकर अपने बेटे से पूछो। हाँ ये बिल्कुल सही है, मतलब हमें पता भी चल जाएगा कि सैम यहाँ क्या कहने आई है और शुभ्रा को उसके सामने जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहन जी इतना भी नहीं कर सकती क्या आप? प्लीज बैठो ना, एक दूसरे को अवॉइड करने जितनी ना दूरी है हमें और ना मजबूरी। कुलदीप और समायरा के आने की वजह से परेशान है ना? नहीं। कुलदीप को बदला हुआ, झुका हुआ, परेशान सा देखकर परेशान है। मैंने तो उसे एक सेकंड ठीक से देखा भी नहीं, ना ही मन किया और ना ही अब कोई हक बचा है। तो फिर परेशानी की वजह? समायरा मुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहती है, इसी बात की रट लगा रखी है उसने। अब क्या बात करनी है उसे मुझसे, वो भी अकेले में? इसी बात से परेशान हो गई हूं मैं। एक फ्री की एडवाइस दूं? सेशन की फीस नहीं चार्ज करूंगा। समायरा एक ऐसी बीमारी है जिसे जितना इग्नोर करो उतना बढ़ेगी, इसलिए बात कीजिए, खत्म कीजिए, तभी वो जाएगी यहां से। बात करने का मन नहीं किया तुम? तो फिर सोच सोच कर खुद को परेशान मत कीजिए। मुझे उसकी कोई बात सुननी ही नहीं है। किस्सा खत्म। किस्सा खत्म करने ही आई हो और तू जिद पर अड़ी हुई है। कुलदीप तुम समझाओ ना बीजी को। बात मत करो मुझसे,
तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बीजी मर गई, बीजी तेरे लिए। अब मैं बीजी हूं शुभ्रा के, पर ये चुड़ैल यहां उसे क्यों परेशान करने आई है और क्या कहने आई है ये जाने बिना कहीं नहीं जाओगे। वो बीजी बीजी शुभ्रा से अकेले में बात करने का फैसला मेरा है, इसलिए मैं कुलदीप को यहां लेकर आई, और शुभ्रा से अकेले में बात किए बिना मैं वापस नहीं जाऊंगी। बीजी मेरे सर पर पहले ही एक पाप है एक रिश्ता तोड़ने का, अब एक और पाप अपने सर पर नहीं लेना चाहती मैं। बीजी बीजी बात ही ऐसी है कि अगर नहीं कहूंगी ना तो जिंदगी भर के लिए शुभ्रा को ऐसा घाव मिलेगा जो उस घाव से भी गहरा होगा जो मेरे और कुलदीप के रिश्ते ने उसे दिया था। मैं और कुलदीप ये बात किसी से नहीं कह सकते बीजी, क्योंकि सबसे पहला हक इस बात पर शुभ्रा का है। हाँ अगर वो चाहे तो ये बात आप सबको बता सकती है, पर मुझे माफ कर दीजिए बीजी, मैं ये बात किसी और से नहीं कहूंगी। मेरी बेटी की आंखों से एक बूंद भी आंसू टपकाना तो मैंने चांद रानी चड्ढा का चंडी रूप दिखा देना है तुमको, समझे? रोली दरवाजा खोलना। रोली क्या हुआ? रोली दरवाजा नहीं खोल रही है। क्यों? एक मिनट। रोली बेटा दरवाजा खोल। रोली बेटा क्या हुआ? मम्मा मुझे बाहर नहीं आना है। क्यों नहीं आना बेटा? मम्मा बाहर रावण आंटी है ना, मुझे अपने साथ लेके चली जाएंगी। मम्मा मुझे आपसे दूर नहीं जाना। रोली बेटा तू जानती है ना तेरी मम्मा कितनी स्ट्रांग है। बेटा मैं रावण आंटी को तेरे पास भी नहीं आने दूंगी, तू दरवाजा तो खोल। रोली पिछली बार जब रावण आंटी तुझे लेके गई थी तो आई वापस लाई थी ना, आई हमें प्रोटेक्ट करती है। रोली दरवाजा खोल ना बेटा। विश्वास करो मुझ पर, तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं दूर ले जा पाएगा, ना आज ना कभी भी। चलो सर आए आप कुछ करो ना, रावण आंटी को यहाँ से भेजो ना, पापा को बोलो ना कि वो रावण आंटी को यहाँ से ले जाए। हाँ मम्मा पापा को बोलो उनको छोड़ के हम सबके पास आ जाए। समायरा एक ऐसी बीमारी है जिसे जितना इग्नोर करो उतना बढ़ेगी, इसलिए बात कीजिए खत्म कीजिए तभी वो जाएगी यहाँ से। ऋषि तू रोली का ध्यान रख, तुम दोनों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कोई नहीं ले जाएगा तुम लोगों को, कोई भी नहीं। तुम लोग भूल गए तुम्हारे पास एक सुपर पावर है, तुम्हारी मम्मा। चलो अब स्माइल करो। डोंट वरी मम्मा भी आती है, ठीक है? अकेली आई हूं मैं, बोलो क्या बोलना। तुम अंदर आओ ना, कम कम बैठो ना। अब पानी
मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। हाँ तुमने क्यों तकलीफ की? मन किया तकलीफ करने का? मेरे तकलीफ से अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो मेरी तकलीफ कम करने के लिए अपनी तकलीफ बता दो। एक सेकेंड। दोनों मिलकर बताएंगे। गलत काम करना हमेशा से मेरे लिए आसान रहा है, पर आज जब सही कदम उठाने जा रही हूं ना, तो बहुत मुश्किल लग रहा है। शुभ्रा, मैं जो सच तुम्हें कहने वाली हूं उसे मेरे सच को ना मेरे कल के काले अंधेरे में मत देखना प्लीज। क्योंकि शुभ्रा, मैं तुम्हें, तुम्हारे और कुलदीप के बच्चों को हर्ट नहीं करना चाहती, पर अगर किस्मत में ही यही लिखा हो तो कोई क्या कर सकता है। पॉइंट पे आओ नहीं तो। शुभ्रा, आई एम प्रेग्नेंट। मैं और कुलदीप पेरेंट्स बनने वाले हैं। मुझे क्यों बता रही हो? तुम्हारी गोद भराई करूं या फिर तुम्हारी आरती उतारूं? क्या चाहती हो? तुम्हें और सिर्फ तुम्हें ही बताना था शुभ्रा, क्योंकि तुम अब भी जटा की वाइफ हो। इस सच पर सबसे पहला हक तुम्हारा था। ऋषि और ओली जितने कुलदीप के हैं, मेरा होने वाला बच्चा भी उतना ही कुलदीप का होगा। कुलदीप की पत्नी को, उसके बच्चों की माँ को ये बात कहे बिना मैं रह नहीं सकती थी। मैं पहले भी मां बन चुकी हूं, पर वो एक जबरदस्ती थी। पर इस बार ना, इस बार मैं डिफरेंट फील कर रही हूं। हमारे प्यार का नया रूप है ये बच्चा, जो जल्दी मेरी गोद में खेलेगा। इस बच्चे को लेकर मैं पहले से ही इतना प्रोटेक्टिव फील कर रही हूं ना, कि कभी कभी मुझे लगने लगा है कि मैं समायरा नहीं हूं, बल्कि शुभ्रा होती जा रही। नो, सीरियसली, मुझे लगता है कि मैं शुभ्रा हूं। जैसे तुम अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हो ना, मैं भी अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूं। तो इस पूरी कहानी में मेरी क्या जगह है? तुम मुझे क्यों सुना रही हो? तुम्हें नहीं बताती तो पाप लगता। तुम्हें हंसी आएगी, बट आई एम न्यू सैम। मां बनने वाली हूं मैं, और इस बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले मैं और कोई बुरा कर्म अपने सर नहीं लेना चाहती शुभ्रा। बस तुमसे
इजाजत चाहिए शुभ्रा। किस बात की? प्रेग्नेंट तुम हो, अपनी मर्जी से बच्चा पैदा कर रही हो, मेरी इजाजत की क्या जरूरत है? मुझसे इजाजत ली थी तुमने जब मेरा घर उजाड़ा था, मेरी शादी तोड़ी थी, ऋषि रोली की जिंदगी में जहर खोलने से पहले ली थी मुझसे इजाजत? प्रेग्नेंट क्या मेरी इजाजत से हुई हो? तो अब ये नाटक क्यों? कहा ना, मेरी गलतियों का अंधेरा बहुत गहरा है। अब समझ में आ रहा है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए इतनी पजेसिव क्यों होती है। डरती हो कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। मतलब मैं क्या गलत करूंगी? तुम कुछ गलत नहीं करोगे, इतना भरोसा है मुझे तुम पर, इसीलिए तो यहां तुम्हारे सामने हूं। मेरे होने वाले बच्चे की जिंदगी, उसका फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे एक फैसले पर टिका है शुभ्रा। देखो शुभ्रा, अगर तुम अब भी कुलदीप के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो, मैं तुम्हारे रास्ते से हटने के लिए तैयार हूं। कहीं दूर चली जाऊंगी मैं, अपने बच्चे के साथ, कुलदीप की यादों के साथ अपनी जिंदगी गुजार लूंगी मैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आए ना, तो उसके नाम के साथ उसके बाप का नाम जुड़े, कोई उसे नाजायज ना बोले। मैं बस इतना ही चाहती हूँ शुभ्रा। अब फैसला तुम पर छोड़ती हूँ, क्योंकि सिर्फ तुम ही दिलवा सकती हो मेरे बच्चे को एक जायज रिश्ता उसके बाप से। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? सुपर्ब, फैंटास्टिक। तुम्हारी एक्टिंग के लिए मैं अवार्ड दूं? कहां से लाती हो ऐसे अलग अलग तरीके के रोज अनोखे आइडियाज? दिन भर प्लानिंग ही करती रहती हो। तुम दोनों यही चाहते हो ना कि मैं डिवोर्स ले लूं, राइट? डिवोर्स पेपर्स पे तो मैंने पहले भी साइन किए थे। कुलदीप ने क्यों फाड़ दी? डिवोर्स पेपर्स पे तो मैं अब भी साइन कर दूंगी, लेकिन पेपर्स पे ये साइन करवाने के लिए इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? ये प्रेगनेंसी, बच्चा, बाप का नाम, इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? तुम्हें ये सब नाटक लग रहा है ना? चलो मेरे साथ, चलो। एक मिनट, ये रिपोर्ट देखो, देखो ना। तुम्हारे लिए ऐसे फेक रिपोर्ट्स खरीदना कौन सी बड़ी बात है ना? यू डोंट बिलीव मी ना? वेट अ मिनट। गिव मी अ मिनट। दूर रहना और बस चुप रहना। हेलो
मैं झूठ बोल सकती हूँ पर ये टेस्ट नहीं शुभ्रा। आई एम प्रेग्नेंट। मैं झूठ बोल सकती हूँ पर ये टेस्ट नहीं शुभ्रा। आई एम प्रेग्नेंट। कंग्रेचुलेशंस। बधाई हो कुलदीप। मेरे होने वाले बच्चे की जिंदगी, उसका फ्यूचर तुम्हारे एक फैसले पर टिका है शुभ्रा। क्या फैसला है तुम्हारा? कोई जल्दी नहीं है। हम दोनों को कोई जल्दी नहीं। तुम्हें जितना वक्त लेना है ना, तुम उतना वक्त लो। हम यही है जब तक कि तुम डिसाइड नहीं कर लेते। मुझे डिसाइड करना है? मैं क्या डिसाइड करूं? प्रेग्नेंट तुम अपनी मर्जी से हुई हो, प्रेग्नेंट करने वाला तुम्हारे साथ है, बच्चा तुम्हारा है, बच्चे का बाप तुम्हारे साथ है, तो इन सब में मैं क्या डिसाइड करूं? मुझसे क्या चाहती हो तुम? जड्ढा, जड्ढा, तुमसे बेहतर शुभ्रा को कोई नहीं समझा सकता। उसे बताओ हमें क्या चाहिए। बोलो ना चड्डा, बताओ इसे कि हमें क्या चाहिए। डिवोर्स। जोर से बोलो, वो लिप रीडिंग करेगी क्या? बोलो। डिवोर्स। बस पेपर्स तो रेडी होंगे ना तुम्हारे पास? इतनी प्लानिंग के साथ आई हो तो पेपर्स तो छोड़कर नहीं आओगे? टाइम वेस्ट मत करो मेरा, दो जल्दी दो। हाँ पेपर्स। कुलदीप, डिवोर्स पेपर्स दूसरे रूम में ले आओगे? Please. तुम बैठो ना, खड़ी क्यों? Be comfortable, please. बस वो पेपर्स लेकर आ ही रहे। चड्ढा, वो पेन भी वहीं है, ले आओगे? okay?
चड्ढा ने साइन कर दिए हैं, तुम्हारे साइन बाकी हैं। थैंक यू। इस बार फाड़ने का नाटक मत करना। मैं जानती हूं बच्चों पर क्या असर पड़ता है जब बाप उनकी लाइफ का हीरो नहीं कैमियो बन के रह जाते। समायरा मैं तुमसे क्या, दुनिया में किसी भी बच्चे से मैं उनके पापा का हक नहीं छीन सकती। ये मेरा डिसीजन है। इजाजत दो मुझे। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू बोथ। बस अब चाहूंगी कि मेरे बच्चों की खुशी के लिए आप लोग तुरंत यहां से चले जाएं। क्या उसने ऐसा क्या कहना था तुझसे अकेले में? तो ठीक तो है ना, कोई नया खेल तो नहीं खेला उस चुड़ैल ने? मैं ठीक हूं बीजी, समारा भी ठीक है, कुलदीप भी ठीक है। वो चाहती थी कि मैं डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दूं। तो किया क्यों नहीं? और नहीं तो क्या, डिवोर्स पेपर पर साइन करके उसके मुंह पे मारना चाहिए था वो पेपर्स। आई बाबा साइन कर दिया मैंने। जिंदगी के 12 साल जिसे तप कहते हैं, उस 12 साल के लंबे सफर के आखिरी पन्ने पर दस्तखत कर दिया मैंने। दिल का रिश्ता था कभी, आज कानून ने तोड़ दिया। दस्तखत तो तूने पहले भी किए थे, फिर इस बार ऐसी क्या नई बात थी जो उस चुड़ैल ने तुझे अकेले में मिलने बुलाया? कौन सी नई जिद थी? जिद नहीं बीजी, इस बार मजबूरी थी। मतलब? मां बनने वाली है समायरा, और कुलदीप फिर से बाप बनने वाला है।
बहन जी, आप तीसरी बार दादी बनने वाली है, बधाई हो। कुलदीप मेरी औलाद नहीं है और समायरा के बच्चे की दादी मैं नहीं। मेरे पोता पोती सिर्फ ऋषि और रोली है बस। और जहां तक उस चुड़ैल की बात है, इस बच्चे में भी जरूर उसकी कोई चाल होगी। नहीं बीजी, शक तो मुझे भी था पहले, लेकिन समायरा ने प्रेगनेंसी टेस्ट करके प्रूफ कर दिया कि प्रेग्नेंट तो वो है। लाला, एक बाप ने फिर से बच्चा पैदा कर लिया। आओ साउदिया ना, हमारे बला से जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। उस बच्चे की वजह से हमारे शुभ्रा इस गंदे रिश्ते से मुक्त हो गई। बड़ी हिम्मत है तुझमें बच्चे। दुश्मन कलेजा भी मांग ले तभी हंसते हंसते काट के दे देगी। समायरा ने इतने दुख दिए तेरे बच्चों को और तूने उसके बच्चे के लिए हंसते हंसते इतना बड़ा बलिदान दे दिया। ना शुक्र है ना, उनको तेरे त्याग की कदर नहीं है बेटा। पता है कुलदीप और समायरा की जोड़ी ना जैसे एक अंधा एक कोढ़ी। कुलदीप और समायरा की जोड़ी ना जैसे वो चौक की जोड़ी नहीं होती जो सिर्फ दूसरों का खून चूस कर जिंदा रहती। शुभ्रा बेटा, अब पुराना पीछे छूटा, अब तू नई राह पर चल और फिर कभी लौट कर देखना भी मत उस काले अतीत की ओर, ठीक है? I'm proud of you. सॉरी बेबी, कांट टेक अ चांस। क्या भरोसा तुम फिर से पार दो? क्या हुआ बेबी? सर में दर्द हो रहा है। शुभ्रा का दुख देखा नहीं गया? उसके पास जाना है, हमदर्दी दिखाने। अरे यार, ओहो, जवाब में खामोशी। शुभ्रा की चिंता इतना खाए जा रही है तुम्हें कि तुम ये तक भूल गए कि तुम्हारे साथ इस कमरे में तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ भी है। तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए या उसके बारे में? मिस्टर कुलदीप चड्ढा, मैं तुम्हारा प्रेजेंट हूं एंड शुभ्रा इज योर पास्ट। हर बात पर बहस,
हर बात पर उल्टे सवाल। मैं यहां पर तुम्हारे लिए तो आया हूं सैम, और किसके लिए? यार, तुम्हें इस कंडीशन में ऐसी बकवास बातें नहीं सोचनी चाहिए। यू प्रेग्नेंट, 2 घंटे के ऊपर हो चुके, तुमने कुछ खाया भी नहीं, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। ओके बैठ, मैं जूस लेकर आता हूं। ये लो, पियो इसे। मैं ये जूस पीऊं? रियली? पहले तुम एक घूंट पीकर दिखाओ। क्यों? क्या पता तुमने इसमें कुछ मिला दिया हो? हो सकता है मुझे और मेरे बच्चे को मारने की प्लानिंग कर चुके हो तुम। आयुब, तू मुझ पे शक कर रही है? मैं सब, अगर शक ही करना है तुम्हें तो फिर शादी क्यों करना चाहती हो तुम मुझसे? मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो ना तुम? उस शुभ्रा के पास वापस जाना चाहते हो ना? बहाना ढूंढ रहे हो तुम। आई नो यू मैन, सब समझ में आ रहा है मुझे कुलदीप। तुम्हारी समझ पर तो ताला पड़ा हुआ है सैम, क्योंकि अगर सब समझ में आ रहा होता ना तो ये सब नहीं होता। ये लो, अब हो गई तसल्ली? नो बेबी, आई वॉज जोकिंग। हाँ, आई वॉज जोकिंग। अच्छा चलो, तुम अपने हाथों से पिला दो मुझे। कम ऑन।
कैसा लग रहा है बताओ ना, कैसा लग रहा है? हल्का, लाइट। 12 साल पहना था इसे, इसके बिना खुद की कल्पना भी कर सकती थी? अब जी पाओगी इसके बिना? ये तो आदत सी हो गई थी ना, जब आदतें गलत लगने लगे तब आदतों को बदल देना अच्छा होता है। पर ये तो बंधन था ना, 7 जन्म का बंधन, सिर्फ मेरे अकेले के लिए था। 7 कदम जो ठीक से साथ नहीं चल पाए, उस बंधन को प्यार का बंधन समझकर कब तक गले में ढोती रहूं? इसे लौटाने का और इसे पहनने वाली शुभ्रा को भुलाने का वक्त आ गया है।